ये हमारे बचपन के साथी हैं, एक ये शुरू से हमारे साथ विद्यालय में बहुत सहयोग है इनका। विद्यालय में उतार चढ़ाव रहता ही है, एक साथ रहने में कभी उतार, एक समय होता है उसके हिसाब से विदाई दिया जाता है। तो ये आज इनका है, जैसे लग रहा है कि मेरा दिल से मैंने एक आत्मा निकलता जा रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। इनका बहुत सहयोग है इस विद्यालय में। विद्यालय में समय पर भेजे, उनके भी विद्यालय समिति परिवार प्रतिदिन भेजा करते थे, उनके लिए विद्यालय परिवार श्रीमती जी को भी धन्यवाद व्यक्त करते हुए सम्मानित करते। वो महिला, वो माता कितनी धन्य थी, वो स्त्री जिन्हें हर समय जो नियत समय जो था सही समय पर इन्हें लंच और सारी तैयारी के साथ भेजते थे। विद्यालय परिवार की पूरी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाते थे। अगर विद्यालय के काम में तुरंत यदि प्रधानाचार्य बोल दिए जाइए मेहर जी डीसी ऑफिस से अमुका जी को करके लाइए, तुरंत मिहिर जी चल जाते थे और उस कार्य को पूरा करके ही विद्यालय लौट आते थे। जिस तरह इनके भीतर में ऐसा टैलेंट था कि हर विभाग को, जब मेरा ये कार्यालय में काम कर रहे हैं तो मेरा संगीत विभाग में काम है तो संगीत विभाग को भी वो ध्यान देते। एक ही शब्द में बोलेंगे, एक ही लाइन बोलेंगे, मिहिर अच्छा जी हम लोग सबको आपसे क्या करते हैं, स्नेह करते हैं और हम लोग ऐसे ही अपना स्नेह आपके प्रति बनाए रखेंगे। शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है, उसके आधार पर आपको विदा दे रहे हैं, लेकिन आपका मन, आपका दिल कभी रिटायर नहीं होगा। आप जब भी चाहे इस विद्यालय में आके हमें मार्गदर्शन करते रहे। ऐसे सुने तो थे कि तमाड़ है कोई जगह, लेकिन कहता है कि तमाड़ के नाम से लोग डरता, ऐसा कुछ जगह है पता नहीं क्या था, हमें नहीं पता क्यों डरता था लोग। तो जब वहाँ से हमको डिलीट किया गया तो हम अपने पत्नी के साथ आए, कहे कि चलिए एक बार देखते हैं विद्यालय कहाँ, उसके बाद समझ आ जाएगा जाना है या नहीं जाना है। आने के बाद देखे तो गांव में बहुत बड़ा विशाल गेट बंद, आओ कोई गाना था, वो भागा भागी आए, दोनों पति पत्नी को अपना घर ले गए, विद्यालय खोल के दिखाए, चाय पानी जो परिचय पाती हुआ। आओ गुंज को
मैंने 10 क्लास तक इसको किए तो कैसे हम आगे उसका प्रयत्न किए लट्टू करने की इच्छा था मैंने सभी सोचे थे यही हमारी विनती है आप तुरंत करके दिखाइए जितना मदद हो मैं करूँ।